हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आशा की बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊँचाई 90 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई को 2% बढ़ा दिया जाए तो इसका वक्रपृष्ठ कितना परसेंट बढ़ जाएगा। दोस्तों इसको शॉर्ट टिकी से लगाएंगे। यहाँ पे जो ये मान दिया है, इस मान से हमें कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊंचाई को कितने परसेंट बढ़ा रहा है, पूछ क्या रहा है, वक्रपृष्ठ कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो वक्रपृष्ठ में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, जितना ऊंचाई में वृद्धि होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2%। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई 97 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई को 9% घटा दिया जाता है तो इसका वक्रपृष्ठ कितना घट जाएगा। दोस्तों केवल हमें यह देखना है कि ऊंचाई को कितना परसेंट घटा रहा है, तो उतने ही परसेंट वक्रपृष्ठ में कमी होगी। तो 9% घटा रहा है ऊंचाई में, तो इसका वक्रपृष्ठ कितना परसेंट कम हो जाएगा, 9% ही कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि इसकी त्रिज्या को x परसेंट बढ़ा दिया जाए तो इसका वक्रपृष्ठ कितना परसेंट बढ़ जाएगा, x परसेंट ही बढ़ेगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि एक बेलन की त्रिज्या को x परसेंट घटा दिया जाता है तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना परसेंट कम हो जाएगा, x परसेंट जो है कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि शंकु के त्रिज्या को x परसेंट बढ़ा दिया जाए तो शंकु का तिर्यक पृष्ठ कितना परसेंट बढ़ जाएगा, x परसेंट बढ़ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों। तीन संख्याएं 5, 7, 11 के अनुपात में हैं और उनका मसब 5 दिया है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहली संख्या निकालने के लिए 5 में 5 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। दूसरी संख्या निकालने के लिए 7 में 5 गुणा कर देंगे, 35 आ जाएगा। तीसरी संख्या निकालने के लिए 11 में 5 गुणा कर देंगे, 55 आ जाएगा। तो वह तीनों संख्याएँ कौन कौन सी हुई, 25, 35 और 55, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों। एक आदमी के पास क्रमशः 10, 15 तथा 20 मीटर लंबाई की लोहे की 3 छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, तो बताइए कि बिना कुछ खर्च किए कम से कम कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए ये जो लंबाई दिया है दोस्तों, इनका क्या करेंगे, मसा निकालेंगे। तो मसा कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो अभीष्ट टुकड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बारी बारी से हम सब में 5 से भाग कर देंगे, जितना आएगा जोड़ देंगे वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 10 में 5 का भाग करेंगे, 15 में 5 से भाग करेंगे, 20 में 5 का भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2, 3 और 4 आ जाएगा। तो अभीष्ट टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, 3, 7, 2, 9, 9 टुकड़े जो है किए जा सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों। एक आदमी के पास 24 पेड़ आम के, 36 पेड़ आंवले के हैं और 60 पेड़ केले के हैं। इन पेड़ों को कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो तथा प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार का पेड़ हो। तो बताइए कि इस स्थिति में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो पेड़ों की संख्या दिया है उसको हम क्या निकाल लेंगे, मसा निकाल लेंगे। मसा कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। अब पंक्तियों की कुल संख्या निकालने के लिए सभी पेड़ों में बारी बारी से हम 12 से भाग कर देंगे, जितना आएगा जोड़ देंगे वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 24 में 12 से भाग कर देंगे, 36 में 12 से भाग कर देंगे, 60 में 12 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा, 2, 3, 5 आएगा। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5, 3, 8, 2, 10। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 10। 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।